हेलो इलेवेंथियंस वेलकम टू अल्बर्ट्स क्लास सफलता की क्लास फाइनली सीबीएसई ने सेशन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव के लिए सिलेबस रिलीज कर दिया आज की क्लास में इंग्लिश कोर किस सिलेबस को सेक्शन वाइज और किस सेक्शन को कितना वेटेज दिया गया है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सेक्शन ए जिसको ट्वेंटी सिक्स मार्क्स का वेटेज दिया गया है सेक्शन ए मीन्स रीडिंग स्किल्स अब रीडिंग स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं रीडिंग स्किल्स को एटीन मार्क्स का वेटेज दिया गया है जिसमें आपको टू पैसेज मिलेंगे वन पैसेज टेन मार्क्स के लिए सेकेंड पैसेज एट मार्क्स के लिए पहला अनशीन पैसेज टेन मार्क्स सेकेंड अनशीन पैसेज जो कि एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा उसके लिए एट मार्क्स का वेटेज डिसाइड किया गया है एंड अब दोनों ही पैसेज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में कंफर्म किए जाएंगे नाउ देट आपके लिए एक ये नया टॉपिक है क्लास टेन से अब आप आए हैं इलेवंथ में आपको एक नया टॉपिक यहाँ मिलता है अनसीन पैसेज के साथ साथ नोट मेकिंग एंड समराइजेशन इट मीन्स क्या है आपको इसमें भी एक पैसेज मिलता है जिसकी वर्ड लिमिट टू हंड्रेड से टू हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स होती है इस पैसेज को आपको पढ़ कर समझ कर इसमें से आपको नेट नोट प्रिपेयर करने होते हैं उसको हम बोलते हैं नोट मेकिंग जिसको फाइव मार्क्स का वेटेज दिया गया है जब एग्जाम में इसको ईवेल्यूएट किया जाएगा तो फाइव मार्क्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है वन मार्क आपको टाइटल पर नंबरिंग एंड आइडेंटिंग के लिए वन मार्क की और ग्लोसरी के लिए वन मार्क और नोट्स के लिए टू मार्क्स इस तरह से फाइव मार्क्स में नोट मेकिंग को प्रिपेयर करना हमें होता है नेक्स्ट इसी नोट मेकिंग की हेल्प से हमें एक समरी राइट करनी होती है फिफ्टी वर्ड्स में इसको थ्री मार्क्स का वेटेज दिया गया है टू मार्क कंटेंट के लिए और वन मार्क एक्सप्रेशन के लिए इस तरह से एट मार्क्स में नोट मेकिंग एंड समराइजेशन कंप्लीट हो जाता है सो सेक्शन ए ट्वेंटी सिक्स मार्क्स जिसमें से एटीन मार्क्स अनसिन पैसेज पर हैं और एट मार्क्स नोट मेकिंग पर हैं गेटिंग यस वेरी गुड नाउ सेक्शन बी सेक्शन बी को ट्वेंटी थ्री मार्क्स का वेटेज दिया गया है सेक्शन बी हमारी ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स पर बेस्ड है पहले बात करते हैं ग्रामर की ग्रामर को ओनली सेवन मार्क्स का वेटेज दिया गया है इन सेवन मार्क्स में आपके जो टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो गैप फिलिंग गैप फिलिंग में जो क्वेश्चन हमारे होंगे वो टेंसेज और क्लॉजेस पर बेस्ड होंगे और क्वेश्चनस ऑन री ऑर्डरिंग मतलब जिसमें आपके री ऑर्डरिंग क्या होता है आपको कुछ वर्ड्स मिलते हैं जो कि हमें रीअरेंज करने होते हैं वो थोड़े से स्क्रैम्बल्ड होते हैं बिखरे हुए होते हैं उनसे हमें सेंटेंस बनाना होता है बहुत सिंपल सा ये रीऑर्डरिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज इसमें कुछ चीज़ें कंबाइन होती हैं जैसे एक्टिव पैसिव है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है इस तरह से डॉन्ट बॉर्डर सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है मिल जाएंगे आपको सो टोटल सेवन क्वेश्चन हमें एग्जाम में अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ एट एट क्वेश्चन मिलेंगे सेवन हमें अटैम्प्ट हैं सेवन मार्क्स में इस तरह से ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो जाता है आप समझते हैं अपने क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स कि इसको सिक्सटीन मार्क्स का वेटेज दिया गया है सिक्सटीन मार्क्स में आपको शॉर्ट राइटिंग और लॉन्ग राइटिंग को कम्प्लीट करना है बात करते हैं पहले शॉर्ट राइटिंग टास्क की इसमें आपको क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट आपको एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना होता है फिफ्टी वर्ड्स में टू क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे इसमें से आपको वन कम्प्लीट करना है थ्री मार्क्स में शॉर्ट राइटिंग टास्क में ही सेकंड जो शॉर्ट राइटिंग टास्क है वो हमारी होती है पोस्टर मेकिंग इसको भी फिफ्टी वर्ड्स में कंप्लीट करना है दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक आपको अटैम्प्ट करना है थ्री मार्क्स में लॉन्ग राइटिंग टास्क को समझते हैं लॉन्ग राइटिंग टास्क में आपको स्पीच राइटिंग मिलती है वन से ट्वेंटी वर्ड्स में से कंपीट करना होता है फाइव मार्क्स के लिए लॉन्ग राइटिंग टास्क में ही आपकी सेकेंड जो लॉन्ग राइटिंग टास्क है वो है डिबेट राइटिंग इसको भी वन से ट्वेंटी वर्ड्स में कंपीट करना होता है फाइव मार्क्स के लिए इस तरह से सिक्सटीन मार्क्स का हमारा राइटिंग स्किल कंप्लीट हो जाता है अब समझ लेते हैं सेक्शन सी को सेक्शन सी में थर्टी वन मार्क्स का वेटेज दिया गया है जिसमें आपकी लिटरेचर जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है आपकी दो बुक्स आपके लिए लगी हैं पहली बुक का नाम होता है हॉर्न बिल और दूसरी बुक है हमारी स्नैप सो वन बाई वन इसको भी समझते हैं हॉर्न बिल से आपको दो एक्सट्रैक्ट एग्जाम में आएंगी जिसमें से आपको एक एक्सट्रैक्ट प्रो सेक्शन से होगा एक एक्सट्रैक्ट आपका पोइट्री सेक्शन से होगा दोनों को थ्री थ्री मार्क्स का वेटेज दिया गया है तीन तीन क्वेश्चन होते हैं वन वन मार्क्स में नाव बात करते हैं स्नैपशॉट की स्नैपशॉट से भी आपको दो एक्सट्रैक्ट मिलेंगे जिसमें से आपको एक एक्सट्रैक्ट कंप्लीट करना है फोर मार्क्स में इस तरह से फोर थ्री सेवन थ्री टेन टेन मार्क्स का वेटेज एक्सट्रैक्ट को दिया गया है बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की पहली बुक हॉर्नबिल हॉर्नबिल से आपको हॉर्नबिल के दो पार्ट हैं प्रोज एंड पोइट्री सो दोनों पार्ट में से आपको आ, देट दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर देने होंगे आउट ऑफ फोर भाई फोर क्वेश्चन आएंगे और इट मीन्स फोर क्वेश्चन में से आपको दो अटैम्प्ट करने हैं फोर्टी से फिफ्टी वर्ड इनकी लिमिट होगी थ्री टू जा सिक्स सिक्स मार्क्स के लिए बात करते हैं स्नैप शॉट की स्नैप शॉट में भी आपको क्या होगा दो आपको क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आपको वन अटैम्प्ट करना है उसकी वर्ड लिमिट भी फोर्टी से फिफ्टी है थ्री मार्क्स के लिए नाउ अब दोनों ही बुक से आई मीन हॉर्नबिल से और स्नैपशॉट से एक एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर हमें देना होता है इसमें भी आपको पहले बात करता हूँ हॉर्नबिल से इसके दो सेक्शन है प्रोज पोएट्री सो इसमें आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे एक लॉन्ग आंसर आपको कंप्लीट करना है वन हंड्रेड ट्वेंटी से वन हंड्रेड फिफ्टी इसकी वर्ड लिमिट होती है सिक्स मार्क्स के लिए स्नैपशॉट से भी आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे एक आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है इसकी वर्ड लिमिट भी वन हंड्रेड ट्वेंटी सेव हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स वर्ड है सिक्स मार्क्स के लिए इस तरह से टोटल सेक्शन सी को थर्टी वन मार्क्स का वेटेज दिया गया है गटेड हमें बुक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं उनको डिटेल में समझ लेते हैं किन चैप्टर्स को स्टोरीज को इंक्लूड किया गया है पहली बुक है हमारी हॉर्नबिल जिसके दो पार्ट है प्रोज एंड पोएट्री आई मीन पोएम्स सो यहाँ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी प्रोज से है फोटोग्राफ पोयम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर प्रोज से है डिस्कवरिंग तुथ द सागा प्रोज से है द द टॉप पोयम वॉइस ऑफ द रेन पोयम चाइल्ड हुड पोएम द एडवेंचर सिल्क रोड फादर टू सन ये भी पोयम है नाउ स्नैप शॉट्स स्नैप शॉट्स में इन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स प्रोज द एड्रेस प्रोज मदर्स डे प्ले है ये बर्थ प्रोज द तेल ऑफ़ मेलेंसिटी ये भी स्टोरी है प्ले है सो so, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपकी यहाँ पर हैं आपको बहुत मजा आने वाला है नाव इंटरनल असेंटमेंट्स असेसमेंट इट मीन्स एटी मार्क्स का एग्जाम पेपर और ट्वेंटी मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट इट मीन्स ये आपके क्या है इंटरनल असेसमेंट बोले तो टीचर्स आपको एक्टिविटीज़ कराएंगे उसमें पहली एक्टिविटी आपकी होती है असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स फाइव मार्क्स में असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स फाइव मार्क्स में आपके लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को चेक करने के लिए टेन मार्क्स में ये स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं सेकेंड आपको मिलेगा प्रोजेक्ट वर्क बहुत इंटरेस्टिंग वर्क ये होता है टेन मार्क्स में इसको भी आपको प्रिपेयर करना होता है सो टोटल ट्वेंटी मार्क्स इंटरनल असेसमेंट को दिए गए हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को किस तरह से कंडक्ट किया जाता है किस तरह से सारी एक्टिविटीज़ में होती हैं फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेम है प्रोजेक्ट वर्क को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बस अर्ली बर्ड्स क्लास के टच में रहना है एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एलेवेंथ क्लास गॉड ब्लेस यू ऑल अगर कोई डाउट है कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट में राइट कर सकते हैं इज इट सो so, जीत की तैयारी शुरू कर दो